ठीक है अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला में हम लोग भी ठीक हैं। आप लोग की दुआ से बस थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी और आज नींद नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा। 5 बजे से मेरे पौने 5 बजे से मेरी आँख खुली हुई और पता नहीं क्यों भूख भी लग रही थी, तो फिर भी मैं लेटी पड़ी थी जगते हुए और अब बज रहा है 5:45। तो मैं बोले चलो उठ जाती हूँ, अभी उठ के जाती हूँ, देखती हूँ, फिलहाल देखती हूँ। अभी पानी पहले पी लेती हूँ, थोड़ा भूख का आसरा बन जाएगा तो नमाज़ पढ़ लेती हूँ। अभी अजान भी हो रही है तो बस नमाज़ पढ़ लेती हूँ फजर की, फिर नाश्ता पानी का देखती हूँ। मैं बोली पहले मैं उठी हूँ तो चलो आज मैं ब्लॉग बना दूँ, तो इसके लिए मैंने अभी खड़े हो गई हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि मैंने कभी ऐसा करी नहीं, फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ। नींद से नींद नहीं आ रही तो सुबह सुबह तो ठीक है। ये आप लोग से बात करते करते फिर भी मैंने तो फिर रुक के फिर बैठ गई, फिर देख रही कि अभी 6 बज गए, क्योंकि तब हो नहीं रहा तबीयत खराब है, तो अभी देख रही हूँ। अभी मैं वजू करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ। बाहर का भी कितना अच्छा लग रहा है। भाग भाग के आई गाइस, मैंने दूध रख के गई थी, गर्म कंदूरी के ऊपर आ गया था लेकिन गिरा नहीं, बंद कर दी मैंने। मैं बाहर का व्यू देख रही थी तो इसके लिए तो चाय यहाँ पर बन रही है और मैंने पानी भर ली पीने का। अब देखती हूँ चाय पी हूँ कि नहीं पी, सोच रही हूँ सर भी दिख रहा है क्योंकि भूख बड़ी जोर की लग रही थी। मशीन भी लगाई हूँ, पानी भी भर गया पीने का, अब टंकी भर रही बस। लेकिन गाइस बर्तन पड़े हुए हैं क्योंकि बर्तन अभी मैं नहीं धोंगी, मुझे सर्दी भी हो गई, मेरी तबीयत भी नहीं सही है। तो अभी गुड़िया को रात में लेट हो गया था, काम करते करते कबाड़ साफ कर रही थी, तो इसके लिए बर्तन उठ के वो धो लेगी। यहाँ ये मशीन लगी हुई है, कितना अंधेरा इधर, ये सब बंद करके रखे, लाइट नहीं चालू करी है, टंकी बस थोड़ी सी रखी है भर जाए तो मैं बस फिर यासीन पढ़ूँ और सो। यासीन पढ़ी नहीं हूँ, पढ़ूँगी यासीन फिर सोऊँगी, देखूँगी थोड़े तो चाय पीऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख रहा है। चाय पीने वाली नींद नहीं आती क्योंकि आज पूरी रात मुझे क्या मालूम क्या हो रहा था, घबराहट हो रही थी क्या हो रहा समझ में। गाइस घबराहट होगी, अगर कुछ हो ऐसा लग रहा है आप लोग को, दिल घबरा रहा है तो या सलामू पढ़ना चाहिए, दुरूद शरीफ आगे पीछे पढ़ के 11 मरतबा या सलामू पढ़ के और अपने सीने पे हाथ फेर लेने का, तो घबराहट चली जाती है। तो मैंने ऐसे ही करी, मुझे घबराहट हो रही थी तो मैंने ऐसे ही करी, मैंने 6 बजे या 6:45 बजे की टाइम मैंने, क्योंकि मैं उठी थी कब से बजे आपकी, और मैं सोई कब 3 बजे, 1 घंटा सोई, फिर 4 बजे उठी, लेटी पड़ी गई, फिर थोड़ी नींद लग रही, फिर 4:45 बजे उठी, भूख भी लग रही, घबराहट हो रही, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने उठी 5:45 बजे मैं, और याद आ गया मेरे को तो मैंने पढ़ी या सलामो, तो इसके बाद मेरी घबराहट चली गई माशाल्लाह से, अल्लाह कलाम में बहुत ताकत है गाइस। तो इसी तरह आप लोग, तो गाइस देखिए ये मेरा नाश्ता है, अभी इस वक्त नाश्ता कर रही हूँ, चाय और पराठा, गुड़िया उठी है तो पराठा बनाई है और गुड़िया ने मेरे को मना करी बर्तन धोने के लिए, उसके लिए मैंने बर्तन नहीं धोई। तो गाइस मैं खाने जा रही थी तो खाई थोड़ा, फिर मैं बताई आप लोगों को कि मैं दिखा दी चाय पराठा, कितनी मस्त चाय है, तब मस्त पराठा गुड़िया ने बनाई है। तो गाइस ये चिकन को मैंने रखी हूँ पकने के लिए, तो इसमें थोड़ा सा पानी हो गया। हम बना रहे हैं चिकन पिज्ज़ा और ये है पिज्ज़ा का नान, तो हम इसे बना रहे हैं। और मैं इधर काट रही हूँ शिमला मिर्च, शिमला मिर्च इतनी बड़ी बड़ी आई एकदम बड़ी, तो मैंने काट ली बीच में से, इसमें डालेंगे शिमला मिर्च और प्याज, तो मैंने यहाँ रखी हुई प्याज भी, तो देखिए प्याज
सब काटती हूँ फिर आपको बताती हूँ। इसमें हम डालेंगे प्याज, सब काट के आपको बताती हूँ। तो देखिए गाइस ये है, मैंने काटती हूँ प्याज और शिमला मिर्च। आप ये चीज़ इसे हम पीसेंगे। पूरा मैं घस लूंगी फिर बताती हूँ। तो देखिए गाइस मैंने ये घस दी हूँ, आधी मैंने घसी हुई हूँ, अभी आधी रख देती हूँ, बाद में फिर घटेगा तो फिर घसेंगे। और इसमें तो ये मेयोनीज मेरी घर की बनी हुई थी, मैंने जो भी बनाई थी शोरमा तो मेयोनीज मैंने बना के रखी थी। तो ये है ये मेयोनीज, अब मैं इसमें डालूंगी ये चीज़ मैजिक। तो इसमें देखिए डालते हैं चीज़ मैजिक। ये पूरी मेयोनीज नहीं लेती हूँ मैं, थोड़ी कम करती हूँ। तो देखिए मैं चीज़ मैजिक डाल रही हूँ इसमें, ये इसमें ऐसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। और इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, और ये भी इसमें डालेंगे थाईलैंड फ्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि पिज्जा में ये सब चीज पड़ती है। और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। और अब हम इसमें पिज्ज़ा की प्रोसीजर चालू करते हैं, पिज्ज़ा में फिलिंग करना, ठीक है। तो ये दो पिज्ज़ा नान है और ये चिल्ली सॉस, इसमें हम थोड़ा निकाल के रखेंगे। तो देखिए ये मैं इसमें ये डालूंगी मेयोनीज वाला चीज़ मैजिक मेयोनीज वाला, ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये दोनों पिज्ज़ा में करूँगी क्योंकि दो दो पिज़्ज़ा उसमें माइक्रोवेव में आता है। और अब हम इसमें ये डालेंगे सॉस, थोड़ा सा चिल्ली सॉस। थोड़ा थोड़ा सा डालूंगी और इसे ऐसा फैला देंगे। और ये मसाला है जो मैं शोरमे में भी डालते हैं तो मैं इसमें भी डाल रही हूँ, ये बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाएगा इसका। उसमें डाली मैंने चिकन में भी ये थोड़ा सा मसाला, लेकिन इसमें भी डाल रही हूँ ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। और इसमें अब हम डालेंगे, अब नहीं डालेंगे, अब ये प्याज वगैरह बिछाएंगे इसमें। पहले ये सब बिछा देंगे फिर उसमें और हर्ब्स जो है वो डालेंगे, है ना। ये सर्दी हो गई है मुझे बहुत ज़बरदस्त। तो देखिए अभी मैंने ये सब डाल दिया, अब चिकन डालना है। तो ये चिकन है, ये चिकन के भी मैंने ऐसे ऐसे पीस करी हूँ, ज़्यादा वो नहीं करी हूँ, बड़े बड़े नहीं रखी हूँ इसको। तो इस तरह से बस। तो देखिए अभी ये एक पिज़्ज़ा रेडी होने आ गया। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, ये ऑरिगैनो डालेंगे, और थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स से तो डाले हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा सा, और आप डालेंगे इसमें चीज़। या ये है चीज़ की बारी, तो देखिए चीज़ तो भर के डालना चाहिए क्योंकि पिज़्ज़ा है, तो देखिए है ना।
तो अभी मैं दूसरा भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए दोनों रेडी होगा पिज़्ज़ा, अब इसे हम माइक्रोवन में रखते हैं। तो देखिए ये प्लेट है, ये माइक्रोवन की प्लेट है लेकिन ख़राब हो चुकी है, लेकिन मैं इसी को यूज़ करती हूँ। और अभी ये इसके ऊपर रखेंगे, बिस्मिल्लाह रखेंगे, और इस पर हम दूसरा पिज़्ज़ा रखेंगे, ये ऐसा। तो अब मैं माइक्रोवन में डालती हूँ इसको, ठीक है। देखिए ऐसा रखना है, अब मैं बनेगा तो बताती हूँ। अब हम दूसरा पिज़्ज़ा भी बनाने की बनाएंगे। अभी वो दो को मैंने रख दी, अब ये दो और। तो देखिएगा गाइस ये हो गया है पिज़्ज़ा हमारा रेडी। अब इसे हम कटिंग करेंगे और दूसरा पिज़्ज़ा रखते हैं उधर ओवन में। तो अब ये तो पिज़्ज़ा और रख रहे, दो पिज़्ज़ा, और ये तो हो गया है, अब इसे कटिंग करेंगे। तो इसे हम कटिंग करेंगे, ये बिस्मिल्लाह। हम लोगों को कटिंग करने थोड़ी ना आता है, जो हम लोग पिज्जा प्रोफेशनल थोड़ी ना, हम लोग इसके लिए आराम आराम से काट रहे, ठीक है। लेकिन एक काट के तो आपको बताना है। इसके लिए तो देखिए अब ये हो गया, 6 पीस पूरा हो गया इसमें कटा है। मैं बताती हूँ उठा के, ये देखिए ये पिज़्ज़ा चीज़ है ना, ये थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन सारी पिज़्ज़े ये सारे पीस ऐसे ही रहेंगे। ये चीज़ एकदम चीज़ गिरती है। तो बस अब मैं इसमें सॉस डालने का और टमाटो केचप, ठीक है। अब मैं लोगों से आप करती हूँ, खाने के लिए बैठे हुए मांग रहे। तो गाइज अभी मैं इन लोग को लेके जा रही हूँ ये दोनों पिज़्ज़ा। अब इन लोग को ये भी मसाले भी जाएंगे, ये भी देना है खाने के लिए, ये भी डालते हैं टमाटर केचप और क्या बोलते हैं इसको, ऑरिगानो चिली फ्लेक्स, ये भी ऊपर से डाल के खाएंगे, ठीक है। तो गाइज ये पिज़्ज़ा ये भी आ चुका है, तो अभी हो चुका है। अब इसे हम कटिंग करते हैं, ये भी पिज़्ज़ों को दोनों कटिंग करके बस हो गया है, फिर हमारा काम ख़त्म। तो गाइस ये पिज़्ज़े के हो गए हैं बराबर, कटिंग भी हो गया, अब मैंने ये सब डाल दी सॉस वगैरह, तो बस हो गया। तो गाइस हम लोग ने आज पिज़्ज़ा भी बनाया, तो पिज़्ज़ा कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताना। तो पिज़्ज़ा की रेसिपी भी मैंने बता चुकी हूँ, तो कैसा लग रहा आप लोग पिज़्ज़ा, बहुत हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा। तो इसके बाद मैं बोल रही हूँ आप लोग को, पिज़्ज़ा हम लोग खा लिए मस्त में, अच्छा लगा। तो हम लोग ये पिज़्ज़े की रेसिपी भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो कैसा लगा पिज़्ज़ा बना के आप लोग हम लोग को बताना। तो गाइस मैं ये वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। हम लोग ने अभी रात में बना के खाने के लिए पिज़्ज़ा 10 बजे, और गुड़िया भी बर्तन धो रही है, गुड़िया को बर्तन बहुत निकल गए, बोलती अम्मी बहुत बर्तन निकालते। तो बस ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो गाइस अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, बाय बाय, टेक केयर।